हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं कॉटन यूनिवर्सिटी का गर्ल्स हॉस्टल में आई हूँ। मैं अपने दोस्तों से मिलने आई हूँ आज, क्योंकि आज के बाद हम और शायद फिर कभी ही मिलेंगे। सब लोग अपने घर जाएंगे, सब लोग फिर अपना अपना हाँ लाइफ में बिजी रहेंगे, और फिर अपना अपना जो एम है उसकी तरफ फोकस करेंगे। कोई कहीं जगह जाएगा तो कोई दूसरी जगह जाएगा। तो आज मैं इन लोगों से मिलने आई हूँ और इन लोगों को ऐसे ही छोटा मोटा गिफ्ट देने आई हूँ। इन लोगों ने भी मुझे गिफ्ट दिया था, तो इन लोगों को मैं आज रिटर्न गिफ्ट देने आई हूँ। ये सुनीति के लिए मैंने दिया है ये छोटा सा डेयरी मिल्क, और फिर ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, जिसमें मैंने अपना प्यार कूट कूट के भरा हुआ है। इधर साइंस रिंग हाई कर दो बहन। Oh my God, मुझे याद करोगी तुम? बहुत ज़्यादा। कितना ज्यादा? बहुत ज़्यादा। मुझे बताओ मत। साइंस रिंग तुम्हारा मैं जो दिया था वो दिखाओ। Thank you. वेलकम। तुम्हें भी थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। यहाँ पे सुनीति बिजी है, मैंने अपना कॉपी दिया है उसको लिखने के लिए मेरे बारे में लास्ट few words. Suniti is making lal chai here in this hot weather. The chai is ubling. The chai is boiling. And they are showing your gifts. Flexing our gifts. You know? Flexing her gifts. You shouldn't flex your gifts. मैं एक उठा लेगा रे। ₹10 मिला क्या? वाह। ओए अरे हां चाय को बंद करो। हमारा पॉपकॉर्न जल चुका है। थोड़ा हम लोग बातों में व्यस्त हो गए थे। आखिरी बिस्किट शुगर फ्री बिस्किट टेस्टी। यहाँ पे ऐसे राइटिंग कंपटीशन चल रहा है। जाते जाते सब लोग अपने लिए डायरी लिख रहे हैं, दोस्तों के लिए डायरी लिख रहे हैं। ये हमारी चंद्राली अपने दोस्त के लिए डायरी लिखते हुए। ये हमारी सुनीति पे शाइन श्रिंग अपना लास्ट लेटर लिख रही है सुनीति के लिए। इधर चंद्राली लिख रही है। वेरी बिजी एनवायरनमेंट, मतलब हम लोग का सेमेस्टर 6th semester खत्म हो चुका है, एग्जाम्स भी सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो सब लोग अभी घर जाएंगे, इसीलिए मतलब सब लोग सबके लिए लास्ट अंतिम पंक्तियाँ लिख रहे हैं। सो इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस। इन लोगों से मिल लिया है तो अभी मैं वापस जाने वाली हूँ। अभी मैं किचन के रूम में जाऊँगी, उससे भी आज लास्ट मिलूँगी। पता नहीं उसके बाद भी फिर मिलना होगा कि नहीं, तो आज मैं अभी उसके रूम में आज रात रहूँगी। वहाँ पर हम लोग एक साथ खाना बना के अभी खाएंगे जाके, तो आप लोगों को आगे का ब्लॉग दिखाऊंगी। तो सुनीति आई एम गोइंग। हाँ मुझे मिस करना, ठीक है। अभी मैं नीचे उतर चुकी हूँ सीढ़ियों से। अभी मैं जाऊंगी किचन के रूम में। बहुत गर्मी दे रहा है आज, बहुत ह्यूमिडिटी है। अभी मैं रास्ता क्रॉस कर लिया है, अभी केचक के रूम की तरफ जा रही हूँ। धूप इतना नहीं है पर ह्यूमिडिटी बहुत है, तो उसकी वजह से गर्मी जो है वो अपने पीक पे है। गाइस मैं गुवाहाटी क्लब पहुँच चुकी हूँ। सीधा अभी यहाँ से क्रॉस करके किचन का घर का गली आएगा, उस गली के थ्रू होके जाना है।
रास्ता क्रॉस कर लिया मैंने, अभी आगे गली मिलने ही वाला है, कुछ ही कदम दूर है। गाइस मैं फाइनली केचक का रूम में पहुंच चुकी हूँ। केचक का रूम फर्स्ट फ्लोर में है, फिर बाकी ये सब भी घर में है। अभी मैं सीढ़ी चढ़ूंगी। आई रीच फाइनली। इस गर्मी के ताप में तपते हुए। No, it's okay. Oh, तुम अच्छा ठीक है। क्या है, इसको दरवाजा भी बंद करना नहीं आ रहा है। Oh my goodness, I didn't expect it. Happy birthday, dear Blobita. Happy birthday to you. Woohoo! Okay, hands off on Karofi. Last second. और लाइट ऑन कर सकती तो थोड़ा अच्छा दिखे कैमरा। ठीक है, अच्छा दिखे कैमरा। ओह ठीक है ना मैं। ठीक है। स्माइल। हेलो हेलो ब्रो, कल मेरे को नहीं आया। हैं? बड़ा बड़ा गए। इतना रोमांस चल रहा है। लेस बोलो नो। सुंदर लग रहा है फ्लफी, इसका नया कुर्ती है ये। तुम दोनों का प्रो। अभी हम लोग वॉक करने जा रहे हैं। अच्छा खासा सरप्राइज दिया है मुझे। अगाई को बोला कि अगाई घर जा रही है आज, फिर मैं अगाई को देख के पूरा शॉक। बहुत अच्छा, मतलब सच झूठ बोला इन लोगों ने मुझे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए। अभी यहाँ पे सब्जी खरीद रहे हैं, टमाटर, इधर चिकन खरीद ले। अगाई चिकन दिखाओ तो, चिकन ले लिया है। फिर अभी ये सब खरीद रहा है चिकन के साथ खाने के लिए। हम लोग वापस पहुंच चुका है शॉपिंग करके। अभी हम लोग चिकन बनाने वाले हैं। इधर चिकन दिखाओ, तुम कि छुपा रहे चिकन इधर लाओ। मैं धोने वाली। इसका हुडिया कैसे खराब हुआ पता है, यहाँ पे हम लोगों ने जैकफ्रूट काटा था। और जैकफ्रूट उसके बाद धो ही नहीं पाया था। मैं तो कभी बनाया टेस्टी हुआ था। चिकन तेल में जा चुका है। अगर उधर पता नहीं क्यों इतना मुस्कुरा रही है। कब तक मैं ये धो लेती हूँ। जिंजर और गार्लिक का हम लोग पेस्ट बनाएंगे चिकन में डालने के लिए। अगर पूरा मतलब सब्जी कट के तैयार हो चुका है। अब ये जाएगा चिकन में। अभी चिकन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है। अभी इसमें जाएगा आलू।
हमारा इजी सा रेसिपी है ये, टाइम थोड़ा सा कम है। प्याज कटा हुआ, टमाटर, अब हम इसको धीमी आंच में पकाएंगे। फूड कंट्रोल को जो करता है कंट्रोल क्रिएटर। अभी जाएगा नमक, मसाला नहीं डालेंगे आज सिंपल सा। मेरा दीदी इसका तारीफ कर रहा है। दीदी है तो अप्रिशिएट करता है, इसका बहन तो थोड़ा सही देना भाई, थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल स्पाइसी। एक कलर के लिए काम आएगा और ये और सुंदर कलर होने के लिए हो गया बस तो ऐसा तो करने में जाते हैं आपने लगा के हाँ क्या लगा के देखिए तुम्हारे कलर सुंदर आ रहा है, अभी मजा आ रहा है देख के। अभी इसको पकने देंगे हम लोग, अभी पकता रहेगा बढ़िया से, फिर बाद में पानी डालेंगे। ये पूरा अच्छे से उबल रहा है, इसका पानी सूखने के बाद ये तैयार हो जाएगा। लुकिंग वेरी यम्मी, वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। ये अभी तैयार हो चुका है, अभी हम लोग लंच करेंगे। अभी खाना परोसा जा रहा है। द चिकन दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय अस बाय केचक लियावे यावे इतना मेहनत किया दोनों ने। मैंने वो गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बनाया, अगाई ने छीला। बहुत दिनों बाद घर का बना खाना खाएगा। आलू लेता है, नींबू लेता है, बढ़िया अच्छा है ना नींबू। ये चिकन का लीवर है, अगर ये पकड़ के देना तो थोड़ा सा टेस्ट करेगा। पहले यहाँ पे रखता है इसको, गिर क्यों नहीं रहा है ये, हाँ गिर जाओ। अभी मैं भी खाना स्टार्ट कर देती हूँ। हम अभी खाना खाने के बाद टेरेस में आए हैं, तो सनसेट होने ही वाला है, फिर ऊपर से भी ऐसा दिखता है, फिर वो गांधी मंडप है, यहाँ से बहुत पास से दिखता है खिचकरम से। फिर अच्छा है, थोड़ा थोड़ा हवा आ रहा है, इधर ट्रेन का बहुत आवाज आता है क्योंकि इधर पटरी ट्रेन का पटरी के पास में। इसका वीडियो यहीं पे खत्म होता है, फिर बाय दोस्तों। See you all in the next video.